बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अच्छा जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो 5-10 मिनट का, हो सकता है हमारे 20 मिनट भी लग जाए। ये सवाल है जॉब ऑर्डर एंड सर्विस कॉस्टिंग का। मतलब जॉब ऑर्डर का मतलब तो ये हुआ ना कि हमें एक जॉब मिली है, मतलब एक प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला है, हमने उसको कंप्लीट करके देना है। तो उसके ऊपर जितना खर्चा आएगा मटेरियल लेबर और ओवरहेड का, वो उसमें ऐड कर देंगे। सर्विस कॉस्टिंग क्या चीज है? सर्विस कॉस्टिंग का मतलब है कि एक तो ना रिटेलर का बिजनेस, जिसे हम ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं, कि वो बनी बनाई चीज आगे बेच दे। एक होता है मैन्युफैक्चरर का कि चीज बनाकर बेचे, और एक होता है सर्विस, वो चीज नहीं बना रहा होता कोई, बदले अपनी सर्विसेज दे रहा होता। कुछ आपने ओवरहेड के चैप्टर के अंदर ना सर्विस डिपार्टमेंट पढ़े थे, उसमें क्या करते हैं, जो सर्विस का सारा खर्चा होता है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देते हैं। ये तो हो गया ना कि अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट है। अब एक बिजनेस ही सर्विसेज का है, जैसे टीचिंग का बिजनेस है, जैसे हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विसेज देती है, तो ये जैसे इवन के चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फर्म्स सर्विसेज देती हैं। अब इन्होंने भी तो अपनी कॉस्टिंग करनी है, क्योंकि अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई साहब एक क्लाइंट को हम कितना चार्ज करेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं। मतलब जिस बिल्डिंग में हम अपनी फर्म बना रही हुई है उसका रेंट कितना देते हैं, हमारे बिजली के बिल कितने आते हैं, हम अपने स्टाफ को कितना पैसा देते हैं, बाकी सारे खर्चे हमने अपने क्लाइंट से ही तो कवर करने हैं, इसी मकसद के लिए तो हमने फर्म बनाई हुई है। तो कितना पैसा किसको चार्ज करना है, ये हमें सर्विस कॉस्टिंग सिखाएगा। तो सर्विस कॉस्टिंग बेसिकली क्या है कि इसमें मटेरियल तो होता नहीं, अगर होता भी है तो बहुत माइनर सा होता है, हो सकता है सप्लाईज वगैरह का, मतलब ये है कि जैसे कोई शॉपिंग बैग टाइप चीजें हो सर्विस बिजनेस, अगर जैसे कोई स्टेशनरी का सामान हो सकता है, तो ये चीजें सर्विसेज बिजनेस के अंदर भी मटेरियल कुछ होते हैं, लेकिन वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लोगों को पता भी नहीं होता कि इनके पास ये मटेरियल भी होगा या नहीं। तो इसमें फिर सबसे बड़ी कॉस्ट जो आती है ना वो लेबर की आती है, और उसके बाद ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम आती है। लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन एक दफा देख लें, फिर डेफिनेशन देख के फिर हम इसके कुछ एक दो 5 मिनट का टॉपिक है, ये टाइम वैसे लगा देंगे, आपको पता है आप बातें ज्यादा करते हैं। हाँ जी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेक और सेल टेंजिबल गुड्स, ये एक्टिविटीज होती हैं। इस एक्टिविटीज को ना ऑपरेशंस भी कहते हैं। ऑपरेशंस का मतलब वही होता है कि जो किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई इस तरह की सर्विसेज हो रही है। कहते हैं इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है जी, होटल की सर्विसेज, कंसल्टेंसी की सर्विसेज, लीगल अकाउंटिंग, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करना, टेलीविजन वाले, एंटरटेनमेंट सर्विस, जैसे ये फिल्में ड्रामे बनते हैं उसके अंदर भी तो यही है, पोस्टल सर्विसेज होगी, मेडिकल सर्विसेज, इस तरह की सारी सर्विसेज। पेपर में आपको सर्विस कॉस्टिंग की डेफिनेशन सिर्फ रटा लगा लेना, ला के बंद अपने अल्फाज में लिख देना और दो चार एग्जांपल लिख देना, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस का मतलब होता है कि ऑपरेशंस आर एक्टिविटीज लाइक सर्विसेज, दे डू नॉट रिजल्ट इन फिनिश्ड प्रोडक्ट टू सेल द कस्टमर। ये क्या चीज होती है, जैसे स्टाफ के अंदर, यानी एक इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जो सर्विसेज दे रही होती है कैंटीन, तो कैंटीन तो सर्विस दे रही है, वो कोई फाइनल तो प्रोडक्ट नहीं बना रही। इस तरह एक कस्टमर केयर सेंटर बना देते हैं, वहां पर वो लोगों को बस ये डील करते हैं कि कोई कस्टमर आ जाए तो उसके कंप्लेंट्स वगैरह सुनते हैं, तो वो भी प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे होते। मतलब किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है मेरे भाई? करेक्टरिस्टिक्स तो जहरी सी बात है, आप सबको ही पता है कि ये इनटैंजिबल होते हैं, इनसेपरेबल, मतलब ये सेपरेट सर्विसेज नहीं होती। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं जैसे आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि अच्छा ये थोड़ा सा लेक्चर आप रख लो, थोड़ा सा लेक्चर किसी और को दे दो, मतलब ये तो सर्विसेज हैं। इनको ये वेरिएबल होती हैं, वेरिएबल से क्या मुराद है, वेरिएबल या हेट्रोजीनियस एक ही बात होती है। वेरिएबल का मतलब है कि इसके स्टैंडर्ड में चेंजिंग आती रहती है, जैसे अभी मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, हो सकता है पहले इस चीज का लेक्चर किसी और वे में दिया हो सकता है कल अगली क्लास को जब मैं लेक्चर दूँ वो किसी और वे में दूँ, तो मतलब इसमें वेरिएशन आती रहती है।
प्रोडक्शन तो होती है ना कि एक ही सिमिलर प्रोडक्ट बन जाती है। फिर पेरिशेबल नेचर की होती है, पेरिशेबल का मतलब है ये स्टोर नहीं होती, इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया कि जी मेरा पहले वाला लेक्चर ओपनिंग स्टॉक है, ये वाला परचेज है, अगला क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा नहीं। कोई भी सर्विस स्टोर नहीं होती। और लैक ऑफ ऑनरशिप, इस पर ऑनरशिप जो एक दफा मुंह से अल्फाज निकल गए वो तो अब खत्म होगी, वो तो अब जो मर्जी बदल सुन ले। मतलब इसमें सर्विसेज के ऊपर राइट होता है, ऑनरशिप नहीं होती। यानी किसी भी सर्विसेज में कोई भी सर्विस दे रहा हो उसकी ऑनरशिप नहीं होती। ऑनरशिप तो एसेट्स की होती है, प्रोडक्शन की होती है। फिर उसके बाद हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब उसने बुक वाले ने बड़ी कमाल एग्जांपल किया है कि जो एक हेयर कटर है ना, इवन कि वो अगर उससे हेयर कटिंग करवाओगे ना दो तीन दफा तो वो हर दफा चेंज करेगा, या अगर दो बंदों की करेगा तो दोनों की हेयर कटिंग भी चेंज होगी। इसी तरह अगर हम हर दफा लेक्चर देते हैं तो हर दफा डिफरेंट स्टाइल होता है, हर टीचर का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो ये अगर पेपर में सवाल आ जाता है ना कि भाई साहब आपने ना सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, तो पहले तो कहना है कि ये वो कॉस्टिंग है जिसमें हम कोई टेंजिबल प्रोडक्ट खरीद या बेच नहीं रहे होते, बल्कि इनटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनकी नेचर क्या होती है कि ये इनटेंजिबल होते हैं, सेपरेट नहीं होते, हेट्रोजीनियस टाइप के होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, लैक ऑफ ऑनरशिप होती है। तीन चार चीजें लिख देना। अब दूसरा इसके बारे में ये भी आप सवाल आ सकता है, ये बस ये तीन चार ही सवाल आ सकते हैं कि जी ये बाकी से डिफरेंस क्यों है, डिफरेंट क्यों है। वजह, पहली बात, देयर इज नो प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें कोई प्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फेयरली स्मॉल, या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है। इसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, ओवरहेड ज्यादा होते हैं टोटल कॉस्ट का, और इन्वेंट्री इज यूजली वेरी स्मॉल, या तो होती नहीं है या वही बात आ गई कि वो जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में बात करते हैं। उसके बाद यहां तक तो कहानी आपको समझ लग गई, नहीं लगी तो थोड़ा सा पढ़ लेना, लग जाएगी समझ, ये कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। हम चलते हैं सीधा सीधा, क्योंकि आपका टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा चलते हैं कि सवाल पेपर में कैसे आता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे एक है जनाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी कई टाइप की होती है। कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी होती हैं वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं वो गुड्स को, कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं जैसे कार है, उबर वगैरह पे चलती हैं। अब जैसे कि ये पैसेंजर्स हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी एक बस है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बस है, हमने वहां पर लोगों को लेकर आना होता है, लेकर जाना होता है। अब हम ये देखते हैं कि हम एक बंदे से कितना किराया चार्ज करें और किस तरह से चार्ज करें। इमेजिन करो, क्या करोगे, उसको किराया कैसे देखोगे। सही सी बात है, गाड़ी की डेप्रिसिएशन, गाड़ी के सारे खर्चे, पेट्रोल का खर्चा, मुलाजमों का खर्चा, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, सारी कॉस्ट प्लस करोगे और ये सोचोगे अच्छा भाई मेरे इतने लोग मेरे साथ सफर करते हैं, मैं हर बंदे को कितना चार्ज करूं कि मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाए और मेरा प्रॉफिट भी आ जाए। तो आप मुझे बताओ, अगर आपकी बस है तो आप क्या बेस बनाना चाहिए आपको? एक तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और दूसरा कितना वो डिस्टेंस कवर करते हैं, किलोमीटर। ये दोनों बेस बनाओगे कि एक बंदा कितना सफर तय करेगा तो हम उसको इतना किराया चार्ज करेंगे। इसकी डबल बेस आ गई, एक नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं और हर बंदा कितने किलोमीटर सफर करता है। गुड्स का भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें क्या होगा, वेट और किलोमीटर, और एट द सेम टाइम दोनों ही बेस होंगे। हाँ ये भी हो सकता है, बल्कि ये नहीं हो सकता, उसकी वजह क्योंकि हाँ ये वो कह सकते हैं कि भाई साहब आप 100, अब मैंने ना किलोमीटर का हिसाब लेना है, आप जितना मर्जी वजन रख ले, तो फिर सिर्फ किलोमीटर बेस बने। अदरवाइज वो ये कहेगा कि भाई साहब इतने केजी और इतने सफर के लिए, इतने टन इतने सफर के लिए मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। मतलब एक भाई साहब मेरे पास आ जाता है, वो कहता है भाई मैंने 5 टन गंदम लेकर जानी है 100 किलोमीटर के फासले पे,
अब मैं सोचने बैठ जाऊं कि यार मैं इसको कितना चार्ज करूं कि इसको बुरा भी ना लगे, तो भाई उसको बुरा या अच्छा लगे हमें उससे क्या, हमने ये देखना है हमें 1 किलोमीटर पर 1 टन के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी। टोटल कॉस्ट जो हमने पहले प्रीवियस कॉस्ट हमने फाइंड की होगी उसमें हम पर टन पर किलोमीटर फाइंड कर चुके होंगे, और उसको जैसे ही वो हमसे पूछेगा हम उसको मल्टीप्लाई कर, जैसे ऊबर है या कोई गाड़ी गाड़ी हम किराए पे लेते हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर या नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी। मतलब जैसे आप उबर करवाते हो तो उसने कभी नहीं पूछा भाई साहब आप तो 6 बंदे बैठ गए हो, चाहे 6 बंदे बैठो, 2 बंदे बैठो, 3 बंदे बैठो, उसने किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना है। इसी तरह बताओ जरा ट्रांसपोर्ट कंपनी तो होगी, हॉस्पिटल कैसे चार्ज करता है पेशेंट को, हो सकता है वो पर बेड या पर डे पर पेशेंट के हिसाब से चार्ज करता हो। इसी तरह अगर आप किसी सिनेमा में जाओ जहां फिल्में दिखाई जाती हैं तो वो कैसे चार्ज करते होंगे, जाहिर सी बात है वो भी तो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे ना कोई, वो भी एक सर्विस से दिखा रहे हैं आपको, फिल्में दिखा के आपसे पैसे लेते हैं, तो वो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन पर मूवी, या मूवी देखनी है तो मूवी दिखा देंगे वो जैसे भी। तो उसने ये देखना है कि अच्छा मेरे रेंट सारे खर्चे वो क्या करेगा, सारे खर्चे उसने आपसे कवर करने हैं और अपना प्रॉफिट भी लेना है। तो वो जो टिकट रखेगा तो वो पहले अपनी कॉस्टिंग करेगा कि अच्छा मुझे टोटल खर्चा कितना आता है, कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आते हैं, तो मैं एक बंदे से एक मूवी का कितना चार्ज करूं कि मेरे खर्चे भी कवर हो जाएं और मेरा प्रॉफिट भी आ जाए। इसी तरह अगर हम ऑडिट सर्विस की बात करें, ऑडिट फॉर्म की, तो वो किस तरह से चार्ज करते हैं भला, पर पर्सन पर आवर या पर डे, यानी एक बंदे का, ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है ना मोस्टली पर डे या पर आवर के हिसाब से काउंट होती है। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको करवाता हूं तो इंशाल्लाह आपको समझ भी लग जाएगी, और फिर 2-4 सवाल आपको दिए भी हुए हैं वो आपने करने हैं। जैसे सपोज दैट हम कहते हैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो वेट है और किलोमीटर है, वो कहता है कि जनाब और 3 या 4 उसके जो डाटा है उसमें गिवन है कि ए डिस्टेंस, बी डिस्टेंस, सी डी, सिटी ले लो, नंबर ऑफ ट्रक ले लो, नंबर ऑफ बस ले लो, व्हाट एवर। अब सपोज दैट एक भाई साहब कहता है कि जी मुझे ए जाना है, एक सिटी का शहर कह लो, कि जनाब उसने लेकर जाना है 10 टन, और कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा जी, 200 किलोमीटर। दूसरा कहता है कि जनाब 20 टन लेकर जाने हैं और 50 किलोमीटर दूर लेकर जाना है। तीसरा बंदा कहता है कि जनाब 40 टन चीज है और मैंने उसे 100 किलोमीटर दूर लेकर जाना है। किलोमीटर तो ऊपर लिख दिया था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और डी वाला कहता है कि भाई साहब 30 टन सामान है और उसने कुछ 400 किलोमीटर दूर लेकर जाना। हमने देखा कि अच्छा इस दौरान हमारे टोटल खर्चे कितने हुए, मतलब पेपर में तो आपको पता ना अलग अलग गिवन है, मैं तो आपका टाइम बचा रहा हूं, मैं ना सारी अमाउंट इकट्ठी ऐड करके लेकर आऊं, आपने सारे रिलेटेड एक्सपेंस सारे फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे खर्चे प्लस कर रहे हैं। आप सैलरियां जितनी दे रहे हो, आप अपने बसों के ट्रकों की डेप्रिसिएशन ले लोगे, आप फ्यूल एक्सपेंसेस ले लोगे, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस ले लोगे, अपने ऑफिस के सारे खर्चे ले लोगे, सारे खर्चे प्लस करोगे, सपोज इन 4 विजिट या 4 ट्रकों का जो टोटल खर्चा आ गया ना, सपोज हम करते हैं 2740000, सपोज करते हैं कितना खर्चा आया है इनका। अब हमने ये देखना है कि हमें पर टन पर किलोमीटर कितना पड़ा, पर टन पर किलोमीटर कितना खर्चा पड़ा, उसके लिए आप क्या करोगे, वेट को इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, जब भी दो बेस हो ना उनको मल्टीप्लाई कर दे,
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेस, इसे कंपोजिट यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट यूनिट। तो हमें पर किलोमीटर पर टन का रेट आ जाएगा। तो करो जरा, इसको मल्टीप्लाई किया 2000, इसको मल्टीप्लाई किया 1000, इसको मल्टीप्लाई किया 4000, इसको मल्टीप्लाई किया 12000। अच्छा, ये प्लस माइनस करते हुए ना गलती हो जाती होती है, तो इसलिए ये दरगुजर कर लिया करें। अच्छा ये करो जरा, 12 4 16 3 17, 17000। ये 17000 क्या है? ये टन है किलोमीटर? ये कंबाइन है, इसमें किलोमीटर और वेट इकट्ठा ही है। अब इसको डिवाइड कर दोगे 17000 पे। करो जरा डिवाइड 17000 पे, 27 400 000 डिवाइडेड बाय 17000 कितना आ गया? 1611। 12 कर लो, 1612 पर टन पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर। मतलब अब आपसे कोई भी बंदा आए, वो आपसे पूछे कि भाई साहब मैंने यहां पे जाना है तो इतने टन वजन लेकर जाना है, तो बताओ कितने पैसे लोगे? तो हमें पहले ही पता है कि इतने पैसे तो हमें पड़ रहे हैं पर टन पर किलोमीटर। तो इसको कितने चार्ज करेंगे? सपोज आपको पेपर में आ जाता है कि आप ना 20% हदिया रखने चाहते हो, 20% या तो मार्जिन कह देगा या वो मार्कअप कह देगा, मार्जिन कह देगा या वो मार्कअप कह देगा। वो मार्जिन मार्कअप का तो पता है ना? अगर नहीं पता ना तो फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, आपने क्या करना है? अगर वो मार्जिन कहेगा तो मार्जिन के तरीके से आपने उसको ऑफर करवानी कि भाई मैं ये पैसे लूंगा आपको आपसे पर टन पर किलोमीटर। अगर मार्कअप कहेगा तो मार्कअप के हिसाब से। फिलहाल मैं 20% मार्कअप की तरफ जा रहा हूं, सवाल के अंदर मैंने मार्जिन दिया है। ठीक है, तो क्या करोगे? 1612 ये हमारी कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, या डायरेक्ट 1.20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मेरे भाई आप उसको ऑफर करोगे 1934.4 पर टन पर किलोमीटर। पेपर में सवाल क्या आ सकता है? या तो सर्विस कॉस्ट की डेफिनेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, वो क्यों डिफरेंस है बाकी से, या आपको कुछ सर्विस इंडस्ट्री बताई जाएंगी और कहेगा बताओ इसका बेस क्या रखोगे। अच्छा, जैसे हमने कहा किसी का वेट किलोमीटर है, किसी का पेशेंट बेड है, इस तरह से। तीसरा सवाल आ सकता है कि वो आपको कोई सर्विस की डाटा दे देगा सर्विस इंडस्ट्री का, और कहेगा बताओ कि वो ऑफर कितना करे, या वो ये ऑफर कर रहा है उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए। ये सवाल आपको पेपर में आ सकता है। अब अगर कोई एक भाई साहब आए, वो कहता है कि भाई साहब मैंने ना कोई 50 टन और 100 किलोमीटर, 50 टन 100 किलोमीटर लेकर जाना है, बताओ कितने पैसे लोगे? तो बताओ 1612 से मल्टीप्लाई करोगे या 1934 से मल्टीप्लाई करोगे? 1612 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो हमें कॉस्ट पड़ेगी, 1934 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारी सर्विस की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपसे वो पूछ ले भी कितना कमाया, तो कमाया कितना है इसमें से, इसमें से जो डिफरेंस है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, टोटल सर्विस रिसीट माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट आ, अभी तो मैं सिर्फ टोटल रिसीट बता रहा हूं, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? रेवेन्यू 50 किलोमीटर, 50 टन, 100 किलोमीटर, और हमारे पास 1934.4। चलो जी कर दो मल्टीप्लाई, फिर बैठे ही हो तो मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है मेरे भाई, कितनी वैल्यू आ गई? 9672000 लेस कॉस्ट ऑफ सर्विस। कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी आ रही है आपको? 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1612, 8060000। तो कितना कमाया, प्रॉफिट कितना आया? 9672000 माइनस आंसर, तो 1612000। एक बात कहूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मेंटली प्रेशर है ये देसी काम। आप जैसा भी हो ना सवाल लाजमी करना है, रिक्वायरमेंट पढ़ो ठीक है, और सवाल शुरू कर दिया करो।
मेरे भाई, ये सर्विस कॉस्टिंग का काम हो गया तमाम। आपको मैं ये असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो ये आपने एक नजर पढ़ लेनी है। कोई 1.5 पेज इसका है, बल्कि 1.5 भी नहीं, 1 ही पेज इसका है थ्योरी का। और फिर इसका एक 3 सवाल मैंने इसके साथ सॉल्यूशन भी दे दिए, सॉल्यूशन बाद में देखना ईमानदारी के साथ, और पहले ये 3 सवाल कर लेना। ठीक होगी बात? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।